नमस्कार, मैं प्रिया। आज 12 जून। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में कोविड-19 के मिले 500 से ज्यादा मामले। मॉनसून 24 घंटे में देगा दस्तक। रेलवे ने 24 ट्रेनों को चलाने का किया ऐलान। AISHE की रिपोर्ट पे बिहार का दिखा बेहतर प्रदर्शन। 18 जून को 4 घंटे तक सरकारी और निजी OPD रहेगी बंद। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। तटरक्षक बल में नाविक और यांत्रिक के पदों पर निकाली गई रिक्तियां। इंडियन कोस्ट गार्ड में काम करने की इच्छा रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए अनुसूचना। इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से तटरक्षक बल में नाविक और यांत्रिक के पदों पर आवेदन मांगे गए हैं, जिसकी शुरुआत 2 जुलाई से होने वाली है, जो कि 16 जुलाई तक जारी रहेगी। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो नाविक GD और DB के लिए बोर्ड ऑफ काउंसिल फॉर स्कूल एजुकेशन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैथ्स और फिजिक्स के साथ 12वीं GD के लिए और DB के लिए 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके साथ ही यांत्रिक के लिए ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री या फिर 3 साल का डिप्लोमा और 10वीं पास होना अनिवार्य है। इच्छुक उम्मीदवार ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड CDAC.IN पर जाकर दिए गए नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। बिहार में कोविड-19 के मिले 500 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 566 कोविड-19 मरीजों की पुष्टि हुई, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 6348 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 26, अरवल में 3, औरंगाबाद में 5, बांका में 4, बेगूसराय में 20, भागलपुर में 7, भोजपुर में 3, बक्सर में 1, दरभंगा में 26, ईस्ट चंपारण में 12, गया में 8, गोपालगंज में 42, जमुई में 3, जहानाबाद में 2, कैमूर में 5, कटिहार में 23, खगड़िया में 4, किशनगंज में 15, लखीसराय में 10, मधेपुरा में 17, मधुबनी में 6, मुंगेर में 25, मुजफ्फरपुर में 37, नालंदा में 9, नवादा में 8, पटना में 45, पूर्णिया में 33, रोहतास में 6, सहरसा में 12, समस्तीपुर में 31, सारण में 31, शेखपुरा में 6, शिवहर में 8, सीतामढ़ी में 12, सिवान में 11, सुपौल में 24, वैशाली में 18, वेस्ट चंपारण में 5 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही 3 ऐसे मामले सामने आए हैं जो दूसरे राज्यों के हैं, लेकिन इनके सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। वहीं बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर के 1099 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 110,119 सैंपल की जाँच की गई है। कोविड-19 के कमजोर पड़ते ही डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का जायजा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश। कोविड-19 संक्रमण में भारी कमी देखने को मिल रही है, जिसके बाद दोबारा से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने योजनाओं पर फोकस करना शुरू कर दिया है, जिसके तहत बीते दिन पहली बार जमीन पर उतर कर विकास कार्यों का जायजा लेते देखे गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस दौरान पटना जंक्शन के इलाके में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। इसके साथ ही पटना जंक्शन के इलाके में पटना न्यू मार्केट और बकरी बाजार एरिया का निरीक्षण भी करते देखे गए। उनके साथ मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद समेत कई मंत्री मौजूद थे। बिहार में मॉनसून 24 घंटे में देगा दस्तक। मौसम की परिस्थितियों के अनुसार अगले 24 घंटे में मॉनसून का प्रवेश प्रदेश में सुनिश्चित है। मौसम विभाग केंद्र की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बारिश की स्थिति का आकलन जारी किया गया है। शुक्रवार की बारिश की स्थिति अगर मॉनसून के आगमन के मानक के अनुकूल पाई गई तो बिहार में इसके आगमन की औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। आज निश्चित रूप से इसके सूबे में प्रवेश और आंशिक प्रसार के आसार है। मॉनसून के आगमन के बाद राज्य के कई हिस्सों में गरज के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राज्य में 14 जून तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 से 48 घंटे में तीव्र वज्रपात की परिस्थितियां बनी रहेंगी। जगहों पर भारी तो कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। गौर करने की बात यह है कि मॉनसून के पहुंचने का मानक समय 13 जून बताया गया है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे सुधीर कुमार चौधरी की। स्टेडियम में भारत की राष्ट्रीय रंगों में चित्रित अपने शरीर के साथ दिखने वाले सुधीर चौधरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर के एक अर्ध ग्रामीण स्थान में एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। वो 6 साल की उम्र में भारतीय क्रिकेट और सचिन तेंदुलकर के प्रशिक्षक हो गए थे। उन्होंने 14 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई छोड़ दी और जब वो अपने माध्यमिक विद्यालय में थे वो पहले एक दूध कंपनी के लिए काम कर चुके हैं और एक शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित है। उन्होंने अपनी शादी को स्थगित कर दिया ताकि वो भारतीय क्रिकेट टीम द्वारा खेले जाने सभी मैच को देख सके और पूरी दुनिया में टीम का अनुसरण करना चाहते हैं जहां भी वो खेलती है। सुधीर कुमार ने एक बार घोषणा की कि उनका जीवन भारतीय क्रिकेट मैच देखने के लिए समर्पित है और वो अपना जीवन जनता के समर्थन पर जीते हैं।
रेलवे ने 24 ट्रेनों को चलाने का किया ऐलान। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, कोविड 19 के कारण यात्रा के लिए मुसीबत का सामना कर रहे बिहार के यात्रियों के लिए राहत की खबर सामने। सेंट्रल रेलवे और वेस्ट सेंट्रल रेलवे ने यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए 24 ट्रेनों को चलाने का ऐलान कर दिया है। खबरों की माने तो यह ट्रेनें मुंबई, गुजरात, यूपी और एमपी के कई स्टेशनों को जाएगी। यात्रियों की जरूरत और अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने एक बार फिर से इन ट्रेनों की सेवाओं को बढ़ाने का ऐलान किया है, जिसकी जानकारी ईस्ट सेंट्रल रेलवे के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी राजेश कुमार ने दी है। उन्होंने बताया कि यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने 8 स्पेशल ट्रेन का परिचालन 14 जून से पहले ही दोबारा शुरू कर दिया है, जिसमें ट्रेन संख्या 03401, 03402, 03419, 03420, 03163, 03164, 03169 और 03170 शामिल है। बिहार की बेटियों को इंजीनियरिंग में इसी साल से मिलेगा 33% आरक्षण का लाभ। बिहार सरकार के आदेश के बाद बेटियों को इंजीनियरिंग और मेडिकल में 33% आरक्षण का फैसला दिया गया था। वहीं बिहार सरकार ने इस फैसले को इसी साल से लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। माना जा रहा है कि जल्द ही कैबिनेट में इस आदेश को जमीन पर उतारने के लिए प्रस्ताव लाया जाएगा, इसके साथ ही इसे लागू भी कर दिया जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रस्ताव को तैयार करने में जुटा हुआ है और इसे जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेज दिया जाएगा। AISHE की रिपोर्ट में बिहार का दिखा बेहतर प्रदर्शन। शिक्षा मंत्रालय ने बीते दिन अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019-20 जारी कर दी है, जिसमें बिहार का प्रदर्शन काफी बेहतर देखने को मिला। बिहार के परिप्रेक्ष्य में यह रिपोर्ट आंशिक तौर पर उत्साहजनक कही जा सकती है। रिपोर्ट की माने तो बिहार में सकल नामांकन अनुपात में आंशिक 0.9% का इजाफा देखने को मिला है। दरअसल प्रदेश के 18 से 23 साल के प्रति 100 विद्यार्थियों में उच्च शिक्षण संस्थान में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 14.5 हो गई है। पिछले साल के मुकाबले यह आंकड़ा सर्वाधिक। इससे पहले के सालों में सकल नामांकन अनुपात 2018-19 में 13.6, 2017-18 में 13, 2016-17 में 14.4 और 2015-16 में 14.3 था। इसके साथ रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रदेश में पिछले 5 साल में निजी और सरकारी विश्वविद्यालयों की संख्या में करीब 33% का इजाफा हुआ है। स्टैंडर्ड गणित को प्राथमिकता देकर 10वीं के रिजल्ट होंगे तैयार। कोविड 19 के संक्रमण को देखते हुए 10वीं परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था। हालांकि अब परीक्षा परिणाम को जारी करने की तैयारी हो रही है, जिसको लेकर CBSE की तरफ से 10वीं रिजल्ट में बेसिक और स्टैंडर्ड गणित को मिलाकर औसत अंक निकालने का आदेश जारी हुआ है। हालांकि इस दौरान CBSE ने यह भी छूट दी है कि अगर किसी स्कूल के पास 3 साल का औसत अंक का विकल्प नहीं है तो वो स्टैंडर्ड गणित के औसत से ही रिजल्ट तैयार कर सकते हैं, क्योंकि गणित विषय में औसत अंक 2020 से लागू किया गया था। ऐसे में गणित का रिजल्ट 2020 के अनुसार ही तैयार होगा। इसके साथ ही 2018-19 सत्र वाले स्कूल को स्टैंडर्ड गणित के अनुसार औसत अंक निकालना होगा। बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट में दाखिल किए कोविड 19 से जान गंवाने वालों के आंकड़े। बीते दिन पटना हाईकोर्ट में बिहार सरकार की तरफ से कोविड 19 से जान गंवाने वालों के आंकड़े को पेश किया गया। इस दौरान मुख्य सचिव ने हल्फनामे के जरिए बताया कि कोविड 19 से सबसे ज्यादा जान राजधानी पटना में गई है, जहां पर 2000 से ज्यादा लोग कोविड 19 के शिकार हुए हैं। इसके अलावा कोविड 19 से सबसे कम जाने शेखपुरा में गई है, जहां पर सिर्फ कुल मिलाकर 35 लोगों की जान गई है। इसके साथ ही पटना हाईकोर्ट में बिहार सरकार ने सभी जिलों से मिले संशोधित आंकड़े के मुताबिक राज्य में 5,424 नहीं बल्कि 9,375 लोगों की जान जाने की रिपोर्ट पेश की है। देशभर के हाईकोर्ट की तुलना में बिहार में जजों की संख्या सबसे कम। बिहार के कई विभाग में खामियां लगातार सामने आई हैं। इसी कड़ी में हाईकोर्ट में जजों के मामले में भी बिहार फिसड्डी साबित हुआ है। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय के डेटा के अनुसार बिहार में जजों की सबसे ज्यादा कमी है। पटना हाईकोर्ट में जजों की स्वीकृति पदों की संख्या 53 है, जबकि वर्तमान में सिर्फ 20 जज ही है वहां पर काम कर रहे हैं। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय के डेटा के अनुसार 1 जून तक पटना हाईकोर्ट में 62% जजों के पद खाली थे। इस मामले में कोलकाता हाईकोर्ट का दूसरा स्थान है, यहां पर 56% जज की कमी है। कोलकाता हाईकोर्ट में स्वीकृत 72 जजों के मुकाबले मात्र 31 जज। 18 जून को 4 घंटे तक सरकारी और निजी ओपीडी रहेगी बंद। बाबा रामदेव के हाल ही में एलोपैथी के खिलाफ दिए गए बयान के बाद सूबे के डॉक्टरों ने 18 जून को 4 घंटे तक सरकारी और निजी ओपीडी को बंद रखने का फैसला लिया है। इस दौरान डॉक्टर मरीज को नहीं देखेंगे। IMA ने ओपीडी बंद करने का आह्वान कर दिया। एसोसिएशन बाबा रामदेव के चिकित्सा विज्ञान, आधुनिक चिकित्सा पद्धति एवं शहीदों के प्रति दिए गए अपमानजनक बयान और डॉक्टरों पर हो रही हिंसा के खिलाफ ओपीडी बाधित करने का फैसला किया है। इस बाबत IMA बिहार शाखा की तरफ से भी जिलों के अध्यक्ष और सचिव को एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें 18 जून को सभी सरकारी और निजी अस्पताल में तैनात डॉक्टर सुबह 8:30 से 12:30 बजे तक ओपीडी बंद रखने की बात कह चुके हैं।
राज्य में गरीबों को नहीं मिलेगा सरकारी खाना। राज्य सरकार की कम्युनिटी किचन को बंद किया जा रहा है, यानी कि लॉकडाउन में गरीबों को खाना मुहैया करवाने की प्रक्रिया बंद होने वाली है। बताया गया कि कोविड-19 संक्रमण के प्रसार में कमी और लॉकडाउन में ढील के कारण आपदा प्रबंधन विभाग ने सामुदायिक रसोई को बंद करने का फैसला किया है। विभाग ने सभी जिलों के डीएम को पत्र लिखकर सामुदायिक किचन को बंद करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, सभी जिलों में सामुदायिक किचन की व्यवस्था करने के साथ ही सरकार ने कुल मिलाकर 739 सामुदायिक रसोई घरों का संचालन किया था, जिनमें कुल मिलाकर 56 लाख लोगों ने खाना खाया। ब्लैक फंगस की सर्जरी करने में बिहार के इन अस्पतालों ने बनाया रिकॉर्ड। ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया गया है, लोगों के बीच काफी दहशत है। ऐसे में बिहार के दो बड़े अस्पताल IGIMS और एम्स लगातार काम कर रहे हैं। वहीं इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में 20 दिनों के अंदर ब्लैक फंगस के 100 मरीजों का ऑपरेशन का रिकॉर्ड बनाया गया है। जानकारों की माने तो किसी भी अस्पताल में इतने कम दिनों में 100 ऑपरेशन नहीं हुए हैं। इसके साथ ही इलाज के लिए पटना एम्स भी अब 4 OT के साथ काम करना शुरू कर चुका है, इससे मरीजों को थोड़ी राहत मिली है। इस बाबत डॉक्टर मनीष मंडल ने बताया कि टीम वर्क से ब्लैक फंगस का इलाज बिहार में सफल हो पाया है। सुशांत सिंह राजपूत के सपनों को लेकर रेमो डिसूजा ने कही अहम बात। सुशांत सिंह राजपूत के गुजरे हुए 1 साल से ज्यादा का समय होने वाला है। हालांकि आज भी उनके प्रशंसक समय समय पर सुशांत सिंह राजपूत को याद करते हैं। इसी बीच टीवी इंडस्ट्री के जाने माने कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा ने सुशांत के सपनों को पूरा करने की बात कही है, जिसके तहत सुशांत सिंह राजपूत को याद करते हुए उन्होंने कहा कि वो एक साथ डांस फिल्म करना चाहते थे, लेकिन सुशांत का यह सपना अधूरा रह गया। सुशांत के साथ हुई इस बातचीत के बारे में सोचकर भी उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, काश वो फिल्म कर पाते। उन्होंने कहा, सुशांत एक अद्भुत डांसर थे जो हर बार मंच पर कदम रखने के बाद उस चीज का मालिक बन जाते थे। BTET अभ्यर्थियों के लिए शिक्षा विभाग ने जारी किया जरूरी दिशा निर्देश। शिक्षा विभाग ने बीते दिन प्रारंभिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्र की वैधता आजीवन रहने का आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि भविष्य में होने वाले BTET के फल स्वरूप दिए जाने वाले प्रमाण पत्र की वैधता आजीवन रहेगी। इस बाबत शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज ने कहा है कि संबंधित नियुक्ति प्राधिकार इस आदेश के अनुसार कार्रवाई करेंगे और शर्तों के अधीन संबंधित अभ्यर्थी शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। संभावित बाढ़ के दौरान चलंत थाना लगाएगी गश्त। बिहार में संभावित बाढ़ को देखते हुए सरकार ने चलंत थाना लगाने का आदेश जारी किया है, जिसके तहत इस थाने की टीम नाव से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में गश्त करेगी और लोगों की सुरक्षा को लेकर काम करेगी। साथ ही लोगों को कोरोना गाइडलाइन के प्रति भी जागरूक करेगी, ताकि लोग बाढ़ के दौरान कोरोना संक्रमण से बच सके। इस संबंध में आपदा विभाग ने सभी DM को दिशा निर्देश भेजा है। आपको बता दें, इस टीम में 2 स्वास्थ्यकर्मी और 1 टीम महिलाओं की भी होगी, जिसमें महिला पुलिस और महिला स्वास्थ्यकर्मी रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की स्वास्थ्य विभाग के साथ समीक्षा बैठक। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक अपने आवास पर की, जहां पर बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत कोविड-19 संक्रमण की अद्यतन स्थिति, कोविड-19 वैक्सीनेशन की स्थिति और टीकाकरण अभियान को लेकर प्रस्तुतिकरण देते देखे गए। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कोरोना संक्रमण की दर में गिरावट आई है, लेकिन कोविड-19 संक्रमण की जांच में और तेजी लाई जाए। लोग घरों से बाहर निकलने लगे हैं और ऐसे में सभी कोविड-19 जांच बहुत जरूरी है। सभी को सचेत रहने का काम करना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और टीकाकरण कार्य को बेहतर ढंग से करने का आदेश जारी किया है। तेजस्वी यादव ने कही लालू प्रसाद यादव के सक्रिय होने की बात। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीते दिन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के राजनीति में लौटने की बात कही है, जिसके तहत उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि लालू प्रसाद यादव जल्दी ठीक होकर सक्रिय राजनीति में लौटेंगे। देश को फिलहाल उनकी जरूरत है। सांप्रदायिक शिकायतों को लालू जी ही चुनौती दे सकते हैं। कई लोग उनके चाहने वाले हैं, सब यही चाह रहे हैं कि वो जल्द ही वापसी करें। कोविड-19 के कारण लालू प्रसाद यादव जी का जन्मदिन हम लोग नहीं मना पाए हैं, वो सिर्फ परिवार के लोगों से ही मिल रहे हैं। अभी वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए हैं। लालू जी गरीबों के मसीहा हैं, उनका जीवन संघर्ष से भरा रहा है, इसलिए लोग उन्हें चाहते हैं। बिहार के 13 IPS अधिकारी 19 जुलाई तक रहेंगे ट्रेनिंग पर। बिहार के 13 IPS अधिकारियों को 19 जुलाई तक ट्रेनिंग देने का काम किया जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी की तरफ से 14 जून से 19 जुलाई तक ऑनलाइन माध्यम से ट्रेनिंग देने का काम शुरू होने वाला है। इन IPS अधिकारियों को ट्रेनिंग में व्यस्त होने की वजह से इनकी जगह पर आंतरिक व्यवस्था से काम चलाने का आदेश दिया गया है, जिसके तहत जिन अधिकारियों को ट्रेनिंग में शामिल किया गया है उनमें राजीव रंजन पुलिस उप महानिरीक्षक, हरप्रीत कौर समादेष्टा, मोहम्मद फरोगुद्दीन, विनोद कुमार, मीनू कुमारी, दीपक वर्णवाल, नीलेश कुमार, मृत्युंजय कुमार चौधरी, तौहीद परवेज, अजय कुमार लाल, राशिद जमान, अनिल कुमार और सुबोध कुमार विश्वास का नाम शामिल है।
जीतन राम मांझी से तेज प्रताप यादव ने की मुलाकात। जीतन राम मांझी को लेकर लगातार कयासों के बाजार गर्म है। हालांकि जीतन राम मांझी बार बार यह साफ कर चुके हैं कि वो एनडीए को छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। लगातार विपक्षी दलों की तरफ से उन्हें न्योता दिया जा रहा है। इसी क्रम में बीते दिन तेज प्रताप यादव की मुलाकात भी जीतन राम मांझी से हुई, जिसके बाद एक बार फिर से राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार जीतन राम मांझी से मिलने बीते दिन बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और विधायक तेज प्रताप यादव उनके आवास पहुंचे थे। इस दौरान दोनों ने बंद कमरे में करीब 1 घंटे तक बैठकर बातचीत की। इतना ही नहीं, लालू प्रसाद यादव से फोन पर करीब 10 मिनट तक बातचीत की। हालांकि जीतन राम मांझी ने इसे राजनीतिक मुलाकात नहीं बताया है। भाजपा एमएलसी संजय पासवान ने विधान परिषद समिति से दिया इस्तीफा। भाजपा एमएलसी संजय पासवान ने बीते दिन विधान परिषद समिति से इस्तीफा दे दिया है। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने सभापति से फैसले को लेकर नाराजगी भी जाहिर की है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, ये वही संजय पासवान है जिन्होंने जनवरी 2020 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह कहकर विरोध किया था कि जनता एक चेहरे से उब चुकी है, अब भाजपा से नया मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। ज्ञात हो 5 दिन पहले डॉक्टर पासवान को अनुसूचित जाति जनजाति समिति का सभापति बनाया गया था। इस दौरान गुरुवार को नवगठित समितियों की पहली बैठक बुलाई गई थी। हालांकि बैठक में शामिल होने के तुरंत बाद वो नाराज होकर निकल गए थे। श्याम रजक ने बिहार में एनडीए सरकार के गिरने का किया दावा। जदयू से निकले श्याम रजक ने राजद का दामन थामा था, जिसके बाद अब राजद के राष्ट्रीय महासचिव और वरिष्ठ नेता श्याम रजक ने बीते दिन लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर उनसे मिलने के बाद जल्द से जल्द सरकार के गिरने की भविष्यवाणी की, जिसके तहत उन्होंने दावा किया है कि बिहार एनडीए में अंदरूनी कलह चरम पर है। वहीं राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि समझने वाले समझ जाए, जो ना समझे वो अनारी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कई बार कह चुके हैं जीतन राम मांझी हमारे अभिभावक है। इसके साथ ही उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि एनडीए अगर सरकार को बचा सकता है तो बचाकर दिखाए। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। कर्नाटक में चंदा साहिब ने 1752 में आत्मसमर्पण कर दिया। भारत और पाकिस्तान को परमाणु परीक्षण के कारण G8 के देशों द्वारा ऋण नहीं देने का निर्णय 1998 में लिया गया। प्रख्यात फिल्म निर्देशक मृणाल सेन को 2008 में 10वें ओसियाना सिने फैन फिल्म समारोह में पुरस्कृत किया गया। साइना नेहवाल ने 2016 में दूसरी बार ऑस्ट्रेलियाई ओपन खिताब जीता। भारतीय जनता पार्टी के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ नरेंद्र सिंह तोमर का जन्म 1957 में आज ही के दिन हुआ। मशहूर भरतनाट्यम नर्तकी और अभिनेत्री पद्मिनी का जन्म 1932 में आज ही के दिन हुआ। महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक श्री डीजी तेंदुलकर का निधन 1972 में आज ही के दिन हुआ। संस्कृत के विद्वान और महान दार्शनिक गोपीनाथ कविराज का निधन 1976 में आज ही के दिन हुआ। युवराज सिंह ने लगातार 6 छक्के देखने के बाद महेंद्र सिंह धोनी का बताया रिएक्शन। युवराज सिंह ने बीते दिन अपने 6 छक्के को याद किया है, जिसके बाद उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के रिएक्शन को भी साझा किया। 2007 में T20 विश्व कप में इंग्लैंड के खिलाफ 6 गेंद पर उन्होंने 6 छक्के लगाकर इतिहास रच दिया था। इसी पल को याद करते हुए उन्होंने बताया कि मुझे लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी मेरे उसी पारी से बहुत ज्यादा खुश थे। अगर आप टीम के कप्तान हैं और एक खिलाड़ी एक के बाद एक लगातार 6 छक्के लगाता है तो आपको जरूर खुशी होगी कि स्कोर इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात ये हमारे लिए करो या मरो का मुकाबला था, इसे हर हाल में जीतना था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है मनीष मेहरा, नितेश कुमार, करण कुमार, रामविलास दयानिधि, विनय कुमार, अमन कुमार, दिव्यांशु कुमारी, मोनिका कुमारी, अभिषेक कुमार, उदय कुमार, विनोद कुमार, विकी कुमार, नीतीश कुमार, राहुल कुमार, गुंजन कुमारी, शेषनाथ शर्मा। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए बिहार सरकार को कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बनाना ना भूले।